बहुत समय पहले की बात है, एक शिल्पकार एक मूर्ति बनाने के लिए किसी जंगल में पत्थर ढूंढने के लिए गया। वहां उसे मूर्ति बनाने के लिए एक बहुत अच्छा पत्थर मिल गया। वो पत्थर लेके वापस घर आते वक्त रास्ते में से एक और पत्थर साथ उठा लाया। घर आकर उसने अच्छे वाले पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए हथौड़ी और छेनी से उस पत्थर पर कारीगरी करने लगा। जब शिल्पकार की छेनी और हथौड़ी से पत्थर को चोट लगने लगी तो पत्थर ने दर्द से कहारते हुए शिल्पकार से बोला, अरे भाई, मेरे से ये दर्द सहा नहीं जाता, ऐसे तो मैं बिखर जाऊंगा, तुम किसी और पत्थर की मूर्ति बना दो ना प्लीज। उस पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने उस पत्थर को छोड़कर दूसरे पत्थर की गड़ाई करनी शुरू कर दी। दूसरे पत्थर ने कुछ नहीं बोला। शिल्पकार ने थोड़े ही समय में एक प्यारी सी भगवान की मूर्ति बना ली। पास के गांव के लोग तैयार मूर्ति को लेने के लिए आए। मूर्ति को लेकर निकलने वाले थे, लेकिन उन्हें ख्याल आया कि नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर रखा पहले वाला पत्थर भी उन्होंने अपने साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और पहले वाले पत्थर को भी सामने रख दिया। मंदिर में जब भी कोई व्यक्ति दर्शन करने आते तो मूर्ति पर फूल माला चढ़ाते, दूध से नहलाते और उसकी पूजा करते और सामने वाले पत्थर पर नारियल फोड़ते। अब पहले वाले पत्थर को हर रोज़ दर्द सहना पड़ता था। उसने मूर्ति वाले पत्थर से कहा, तुम्हारे तो मज़े हैं, रोज़ फूल माला से सजते हो, रोज़ तुम्हारी पूजा होती है, मेरी तो साला किस्मत ही खराब है, रोज़ लोग नारियल फोड़ते हैं और मेरे को दर्द सहना पड़ता है। पहले वाले पत्थर की बात सुनकर मूर्ति बने पत्थर ने कहा, देख दोस्त, अगर उस दिन तूने शिल्पकार के हाथ का दर्द सहा होता तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता और तुम मेरी जगह पर होते, लेकिन तुमने तो थोड़े से समय के दर्द को ना सहकर आसान वाले रास्ते को चुना, अब तुम उसका नतीजा भुगत रहे हो। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारा दर्द भी झेलना पड़ता है, लेकिन हमें इनसे डर कर पीछे नहीं हटना है, इनका डट कर मुकाबला करना है। ये विपरीत परिस्थितियाँ हमें और भी ज़्यादा मजबूत बनाती हैं, जिससे हम अपनी मंजिल के और ज़्यादा करीब पहुँच जाएंगे। जब भी आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आएँ तो समझ लो कि आसमान छूने का वक्त आ गया है। कमर कस लो और डट के सामना करो, खूब कड़ी मेहनत करो और अपने मंजिल को साकार करो। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आप लोग को बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।